बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम रूह अफ़ज़ा से दो तरह का शरबत बनाएंगे। इसके लिए हम लिए हैं रूह अफ़ज़ा और तूत मलंगा, इसे हम थोड़े देर पहले धोकर भिगा दिए थे, और नींबू और बर्फ़ क्यूब और चीनी और दूध। सबसे पहले गिलास में दूध डालेंगे। और 2 चम्मच रूह अफ़ज़ा डालेंगे। और 1.5 चम्मच तूत मलंगा डालेंगे भीगा हुआ। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं तो ना डालें। वैसे ये बहुत फ़ायदे का होता है, शरबत में डाल के पीना चाहिए तूत मलंगा। और 1 चम्मच चीनी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि सब कुछ दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। आप ये शरबत ज़रूर बनाएं अफ्तार में, बहुत मज़े का लगता है। खजूर खाने के बाद तो लगता है बस ठंडा शरबत मिल जाए, बच्चे बड़े सब शौक से पी लेते हैं। ये मिक्स हो चुका है, अब इसमें बर्फ़ डालेंगे। देखें ठंडा ठंडा शरबत तैयार हो गया है। ये दूध रूह अफ़ज़ा का शरबत तैयार है। अब हम पानी, 1 गिलास में पानी लेंगे, 1 गिलास से थोड़ा कम, और इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे, 1.5 चम्मच बिल के, और 2 चम्मच रूह अफ़ज़ा डालेंगे। और 1 चम्मच तूत मलंगा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें नींबू डालेंगे। ये रूह अफ़ज़ा नींबू वाला शरबत बहुत ही मज़े का लगता है, आप ज़रूर बना के पिएं। अब इसे मिक्स कर लेंगे। और इसमें बर्फ़ डालेंगे। देखें ये रूह अफ़ज़ा नींबू वाला शरबत तैयार हो गया है। ये दोनों शरबत तैयार है पीने के लिए। आप भी बनाएं, पिएं, खुश रहें, आबाद रहें। अब नींबू और पुदीने का पत्ता से गार्निशिंग करेंगे। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कितने मज़े का लग रहा है। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।